बेसिकली सिम्फर स्टाफ क्लब और स्वर संगम संस्थान जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग दोनों साथ में मिलकर पिछले 14 सालों से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। हर महीने ये कार्यक्रम होती है मासिक गोष्ठी के नाम पे, और साल भर में एक मेगा प्रोग्राम करते हैं जिसे एनुअल प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग शास्त्रीय संगीत पर आधारित नृत्य, गायन, वाद्य और तबला चारों का कंपटीशन रखते हैं। अलग अलग उसकी श्रेणियां होती हैं, और उस कंपटीशन में जो भी विजेता होते हैं उनको दूसरे दिन यानी कि इस बार 10 मार्च को रविवार को इसी सिम्फर ऑडिटोरियम में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उनमें उनको हम लोग प्राइज देते हैं जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं। ये एक प्रोत्साहन है, एक मोटिवेशन है उन सारे कलाकारों को और उन सारे संगीत प्रेमियों को जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं और जुड़े रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस बार के मुख्य कार्यक्रम में जो 10 तारीख को होने वाला है, कलकत्ता से तापस दत्ता आ रहे हैं जो गायन प्रस्तुत करेंगे, उनके साथ संजय रॉय आएंगे जो तबले पर रहेंगे, और हारमोनियम पर धनबाद के एक जाने माने शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता जयशंकर ठाकुर जी रहेंगे। और उसी तरह बनारस से एक पूरा ग्रुप आ रहा है कथक के नृत्य के लिए। कथक बनारस का एक घराना है और उस घराने से 5 लोग आ रहे हैं जो कथक प्रस्तुत करेंगे, और उसके साथ ही सिम्फर स्टाफ क्लब के एसोसिएशंस के कुछ बच्चे होंगे जो कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुति करेंगे। हमको लास्ट ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड है, लगभग 150 प्रतियोगी आ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वैसे ही रहे। और सिर्फ धनबाद ही नहीं, एक्चुअली कोयलांचल के डिफरेंट अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, और कल लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि वेस्ट बंगाल और इलाहाबाद से भी लोग आए थे। मतलब यह है कि ये जो फ्रेग्रेंस है, ये खुशबू जो शास्त्रीय संगीत की है, और इकलौता जो खास बात ये बताने की कोशिश करें कि इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है स्वर संगम जो कि लगातार 14 सालों से प्रतियोगिता करवा रही है, और अब इस प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगी जो हैं, जो भी शास्त्रीय संगीत के जानने वाले और सीखने वाले हैं, वो इंतज़ार करते हैं।